हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ वेक्टर एंड 3D। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या बोल रहा है। इट्स ए सिंपल प्रॉब्लम। ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अपने को, है ना। ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1-1, 3। बी दिया हुआ है अपन को 2-1, -2। और सी दिया हुआ है अपने को -5, -2, -6। ठीक है, सो दीज आर 3 पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABC। लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल एट ए। तो ए पे जो इंटरनल एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है उसकी लेंथ निकालनी है, मतलब अपने को निकालना है क्या AD, है ना। AD की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपन AD कैसे निकालेंगे। AD निकालने का तरीका क्या है, AD निकालने का तरीका, एक तो प्योर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से जाएं, एक तो वो तरीका है। मेथड वन तो क्या है, यूजिंग SOT। SOT से अपने को फॉर्मूला पता है, ये C है मान लो, ये B है, तो डू 2BC अपॉन B प्लस C कॉस ऑफ A बाई 2। दिस फॉर्मूला वी कैन यूज, बी पता, सी पता, बी प्लस सी पता, ए पता, लगा सकते हैं अपन, है ना। लेंथ निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, दिस इज वन वे। मेथड नंबर 2 इज डी पॉइंट निकाल सकते हैं क्या अपन, है ना। डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, डी पॉइंट इज सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेगा ये इसको, है ना। सी लेंथ निकाल लेंगे, बी लेंथ निकाल लेंगे, तो वहां से अपने को ये पता लग जाएगा कि ये सी इज टू बी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो डी पॉइंट अपन ने निकाल लिया, डी पॉइंट क्या आएगा देखो, डी पॉइंट विल बी सी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ सी प्लस बी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी अपॉन सी प्लस बी। ये डी पॉइंट आ गया। अब ए पॉइंट अपने को पता है, अपने को क्या निकालना है, AD। यहां से AD की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेट पी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड जी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर इज द ओरिजिन, देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी इज इक्वल टू के टाइम्स जी। तो पी यहां पे क्या है, ऑर्थो सेंटर, जी यहां पे क्या है, सेंट्रोइड, और इसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर को मैं सी नाम दे देता हूं, वो दिया हुआ अपने को ओरिजिन, है ना, 0, 0, 0। तो ये अपने को रिलेशन निकालना है। तो अपन जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में यदि बात करें ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर जो कि पी दिया हुआ है, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड जो कि अपने को क्या दिया हुआ है, स्मॉल जी, एंड सर्कम सेंटर जो कि अपने को दिया हुआ है 0, 0। इसमें रिलेशन अपन जानते हैं, OGC रिलेशन होता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, है ना, 2:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। तो बस यही रिलेशन अपने को निकालना है। यहाँ पे जी वैक्टर जो भी होगा, जी वैक्टर को अपन लिख सकते हैं 2 times, इसको मैंने सी पोजिशन वैक्टर इसका मान लिया सी, ठीक है, तो 2 times सी वैक्टर पोजिशन वैक्टर, है ना, सी का पोजिशन वैक्टर प्लस 1 times P का पोजिशन वेक्टर अपॉन 2+1। तो G इज इक्वल टू 2, C का पोजिशन वेक्टर क्या है बच्चों, 0, 0, 0, ठीक है, प्लस P का पोजिशन वेक्टर है P अपॉन 3। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो बच्चों, P इज इक्वल टू, ये तो 0 सम करने पे 0 ही आएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 3 times G। तो K की वैल्यू क्या आ गई, K इज इक्वल टू आ गया बच्चों 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अपन देखें तो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर है ए हैज कंपोनेंट 2P and 1 विद रेस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन जानते हैं क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो सिस्टम है उसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और रेक्टेंगुलर, अब यदि 3D में बात करें तो ये जेड भी हो सकता है ना, तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट है,
उसके कंपोनेंट्स हैं 2p एंड 1। तो ये दो कंपोनेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब अपन 2d में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2p, 1 उसका क्या होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। अब वो बोल रहा है कि द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। ये सिस्टम जो है काउंटर क्लॉकवाइज है ना, पूरा सिस्टम रोटेट किया, कौन सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन ने रोटेट कर दिया। मान लो ये किसी एंगल से रोटेट हो गया, ये पॉइंट तो यही होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट बदल जाने वाले हैं, वो बोल रहा है कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दो आर, इस ए वेक्टर के जो नए कोऑर्डिनेट है वो अपने को मिल रहे हैं p+1 एंड 1। मान लो ये थीटा से रोटेट किया, ठीक है। अब ऑब्वियसली पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, नया कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने जैसे ही इसको रोटेट किया ये पॉइंट अब इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस अब बदल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट वही है, ठीक है, ये पॉइंट वही है, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने रोटेट किया। तो अब जो पॉइंट की दूरी ओरिजिन से वो तो सेम रहेगी है ना, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन विल रिमेन सेम, बट अपने को क्या चेंज होने वाले हैं, उसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। तो अपन बोलेंगे कि इसी बात का अपन यूज कर लेंगे कि मोड ऑफ ए अब भी वही रहेगा दोनों ट्रिप में, है ना, मोड ऑफ ए डैश दोनों क्या रहेंगे, सेम, दोनों सेम रहेंगे। तो यहां पे मोड ए क्या आएगा, 0, 0 से इसके डिस्टेंस, तो अंडर रूट ऑफ, है ना, 4p² + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ p+1 का होल स्क्वायर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p की क्या मिल जाएगी अपने को, वैल्यू, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो यूनिट लेंथ के कितने वेक्टर प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी वेक्टर्स आर प्रेजेंट टू ए टू गिवन वेक्टर्स, है ना, दो गिवन वेक्टर्स हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर अपने पास है फोर, दो गिवन वेक्टर्स हैं अपने पास, इन गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, है ना, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ के कितने वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको एक तरीके से देखो, ए क्रॉस बी अपन यदि करते हैं, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर तो ये होगा और एक वेक्टर इसके क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। अब उसका डायरेक्शन तो दो अपने को पता है, एक तो ऊपर होने वाला है और एक नीचे वाला होने वाला है, ठीक है, एक तो ये डायरेक्शन जो सामने निकल रही है, एक नीचे, क्योंकि ये एक प्लेन बनने वाला है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं, एक इधर और एक उधर, वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। अब पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे सबका क्या है, डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वो बोल रहा है कि यूनिट, तो वन यूनिट का इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है ना, वन यूनिट का नीचे अंदर प्लेन के अंदर, तो ऐसे कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, टू सच वेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं, देखो, लेट अल्फा बीटा गामा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था ये, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बीटा गामा आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस, ठीक है। अपने को निकालना है पॉइंट, अपने को क्या दिया हुआ है, देखो, द पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर्स या पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस। तो इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर देने का मतलब क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर साइड का वेक्टर देना और पोजीशन वेक्टर देना दोनों में डिफरेंस है ना। यहां पे दिया हुआ है अपने को पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब अपने को दिया हुआ है ये पॉइंट्स, ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा है बच्चों, और ये पॉइंट अपने पास है बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स अपने को दिए हुए, ये डिस्टेंस निकालो तुम, ये डिस्टेंस निकालो तुम और ये डिस्टेंस निकालो, तुम पाओगे कि इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो डिस्टेंस देखो मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है।
सो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इफ द वेक्टर्स दिस 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 कॉन्स्टिट्यूट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग ऑफ द वेक्टर सी। तो अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेक्टर्स दे दिए इस बार, है ना। क्वेश्चन वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर की लेंथ दी हुई है ना। तो देखो एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन यदि अपन देखें इसमें, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी प्लस सी वेक्टर करने पे क्या मिल रहा है, ए वेक्टर मिल रहा है। बोलो बी प्लस सी करने पे वेक्टर ए मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों जो है ना बी सी ए एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर कौन सा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है। तो बी प्लस सी करने पे ए मिल रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर अपने पास क्या है, ये वेक्टर है अपने पास ए, मान लो ए मानता हूँ, तो ये वेक्टर बी की डायरेक्शन ऐसे माननी पड़ेगी और सी की डायरेक्शन मुझे ऐसे माननी पड़ेगी, ताकि बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल जाए अपने को, ए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये ए वेक्टर क्या है, ये पूरा है ना, इस वेक्टर का नाम है, पोजिशन वेक्टर नहीं है। तो ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो पोजिशन वेक्टर अपने को ये पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट डिफाइन होने वाला है। ये वेक्टर अपने को ए दे दिया, तो अपन ने बोला कि अच्छा इसको मैं मान लो ओरिजिन मान लेता हूँ 0 0, किसी एक ओरिजिन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन वेक्टर तो दिए हुए नहीं है। और जो अपने को मीडियन की लेंथ निकालनी है वो इस बात के इंडिपेंडेंट होगी कि पोजिशन ओरिजिन तुमने कहाँ माना है, वो इस बात के इंडिपेंडेंट होगी। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, तो उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आप क्या मिल जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया ओ मान लो, इसको मैंने नाम दे दिया ए मान लो, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी ए वेक्टर। नाउ सिंस दैट इज 0 0 0, तो उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, बी। तो बी वेक्टर क्या रहेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बी बी वेक्टर, है ना। अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने को ऑलरेडी पता है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए आने वाला है। और सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज नथिंग बट सी वेक्टर को यदि अपन यहां से देखें तो सी वेक्टर क्या है, ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये सी वेक्टर हो जाएगा, ए की तरफ पॉइंटेड है ना, बी उसका टेंजेंट, ये तो उसका टेंजेंट। तो ये ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, सी को बाइसेक्ट करने वाला मीडियन का लेंथ, तो अपन को यही निकालना है ना, ओडी, ओडी का मोड निकालना है। तो ओडी के मोड के लिए डी का पॉइंट चाहिए अपने को, तो डी ओ पॉइंट अपने को पता है, ओ इज 0 0 0 एंड डी का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, डी इज नथिंग बट ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो डी पॉइंट में पता है, ओ पता है, तो क्या ओडी का मोड निकल जाएगा, ओडी का मोड क्या होगा, डी माइनस ओ का मोड, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, ओ ए बी बी ए रेगुलर ट्राइंगल विद साइड्स लेंथ यूनिटी। एक हमने को ट्राइंगल दिया हुआ है, रेगुलर ट्राइंगल का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स यूनिटी, यूनिट मतलब सबकी लेंथ 1 1 है। ओ बी ओरिजिन, ओ को ओरिजिन मान लिया, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये वेक्टर को मैं मान लेता हूँ, ओ ए वेक्टर को अपने को दिया हुआ है ए वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज ए एंड बी, है ना। ए बी पे मेरे को बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर एम एंड एन, एन इज नियर, n is closer to b, n is closer to b, m is closer to a, m is closer to a, ये दिया ना। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ये यदि 1 है तो ये क्या होगा 2, 1:2 के रेशियो में बांटा है m इसको, और m भी इसको क्या बांटा है 1:2 में इस साइड से, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ बहुत आराम से, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m का पोजीशन वेक्टर, या अपन बोल सकते हैं कि on वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, on वेक्टर विल बी OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर डिवाइडेड बाय, अच्छा 2:1:2 है, तो 2 into A प्लस 1 into B डिवाइडेड बाय 3। ऐसे हम बोलेंगे कि ON वेक्टर भी लिख सकते हैं, ON वेक्टर क्या होगा, ON वेक्टर अपने पास हो जाएगा 2 into B प्लस A बाय 3।
अपने को क्या निकालना है, ओ एम वैक्टर निकालना है। तो एम वैक्टर हो जाएगा अपने पास, तो फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है, x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 1/3। एम वैक्टर के लिए x की वैल्यू क्या है 2/3 और y की वैल्यू क्या है 1/3, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन सी और डी का डिस्कशन करते हैं, उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा बच्चों एम डॉट एन। एम डॉट एन मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यदि अपन को थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में पढ़ा है तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 2a प्लस बी बाई 3 का डॉट प्रोडक्ट करना है 2b प्लस a बाई 3, डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों दो प्रोडक्ट। अब इसके लिए कोई एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि यार इन दोनों के बीच में 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री निकालते हैं, वो जरूरत नहीं है। ये अपने आप दे देगा, है ना, समझना इसको अच्छे से समझना। 4/9 a डॉट b, है ना, a डॉट b की टर्म्स में लिखो तुम चीजों को, 2/3 इंटू a/3, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/9 a डॉट a प्लस b/3 इंटू 2b/3, ये हो जाएगा अपने पास 2/9 इंटू बी डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास बी डॉट ए अपॉन 9। ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 5/9 इंटू ए डॉट बी। अब ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को लिख सकता हूँ मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी इंटू कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2, मतलब ए डॉट बी हो गया 1/2। ऐसे ही ए डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी इंटू इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है कॉस 0 विच इज 1। ऐसे बी डॉट बी क्या होगा, मोड ऑफ बी स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज रख दो, अपने को क्या मिल जाएगा आंसर, ए ए डॉट बी की वैल्यू अपन ने रख दी 1/2, 2/9 2/9 मतलब हो गया 4/9, है ना, ए इन ए तो 1/1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो 8 + 5 13/18, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक ऑब्जर्वेशन अपने को करना था, क्वेश्चन नंबर 8 और आसान बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में तो ट्राइंगल है ना, मैंने क्या बोला ए बी निकालो, ए बी क्या निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि ए बी निकालेंगे तो ए बी आ रहा है 1। ऐसे ही बी सी निकालो, बी सी क्या आ रहा है √2। ऐसे ही सी ए क्या आ रहा है बच्चों √3, इसका मतलब ये 1 है, ये √2 है, ये √3 है, इसका मतलब बी पे क्या है 90 डिग्री। तो एक बार बी पे 90 डिग्री मिल गया, अब सारा काम आसान है, इन सेंटर निकालना, ऑर्थो सेंटर निकालना, सर्कम सेंटर निकालना, सेंट्रोइड निकालना, सब कुछ आसान है ना। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी खुद ही मतलब 0 0 0, सर्कम सेंटर ए सी का मिड पॉइंट, इन सेंटर निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो इन सेंटर भी आ जाएगा, सेंट्रोइड भी आ जाएगा, सब कुछ आ गया राइट। तो ये था अपने पास बच्चों असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है।